तो ये पसंद है आपको? और तुम्हें? मुझे तो बहुत ही, तुम्हें तो पता ही है। मुझे क्या पता है, मुझे तो पता ही नहीं अभी तक। टाइम मांगते रहे तो टाइम दो यार, मेरे को तो अभी क्लियरली किसी ने कुछ बोला ही नहीं। मतलब ये पता है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, बाकी कुछ नहीं पता मुझे। तो मुंह से बोलोगे तभी तो समझ में आएगा इंसान को। मैं अभी कोई भविष्यवाणी थोड़ा देख रही हूँ कि क्या चल रहा है सामने वाले के मन में। यहाँ आके बताओ, समझ में नहीं आ रहा, इतनी दूर जाके धीरे धीरे बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आपको मैं क्या बोलूँ कि आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या लेके आया था आपके लिए। क्या लेके आया? प्रपोज करने आया था आपको। उसी दिन? उसी दिन। शादी के लिए? शादी के लिए ऑब्वियसली बात है। अच्छा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं नेगेटिव ना ले जाओ आप और दोस्ती खराब ना हो जाए। तो फिर मैंने मम्मी से भी बात की है और आपने भी बोला था कि चलो इतना ही है तो मेरे घर वालों से पूछ के देख लेना। तो मैं रेडी हूँ। मम्मी को भी बोल दिया मैंने कि आप एक बार बात कर लो उनके मम्मी डैडी से और जो भी है जैसा भी है। मतलब तुम एकदम 110% रेडी हो मेरे लिए? मतलब तुम्हें शायद स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो, अभी तुमने अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दी, चलो मैं भी कुछ बताऊँ। ये मत बोल देना कि मेरे को कोई पसंद आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। अभी तुम्हें पता ही है, देखो पास्ट के बारे में, 5 साल का रिलेशनशिप था तो वो खत्म होने के बाद तो ऐसा मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं। सब है ना, पास्ट सबका होता है, तो उसके बाद पता क्या होता है, वो ट्रस्ट हो नहीं पाता किसी पे, ठीक है। बट तुम, मैं भी बहुत टाइम बाद ऐसा मेरे को कोई लड़का लगा तुम, मतलब जिससे मैं आग बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। मेरे को तुम्हें देख के वो मतलब लगा, क्योंकि अभी दोस्तों को भी बहुत महीने हो गया, इतना तो ट्रस्ट हो ही जाता है इंसान को ना। तो मतलब मेरा भी रिलेशनशिप के बाद है ना, मतलब ऐसा किसी से अटैचमेंट ऐसी हुई नहीं, लेकिन अभी लगता है कि चलो ठीक है। तो मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सब चीज़ है, हर चीज़ अच्छी है। चलो, तुम्हें मैं पसंद हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ यार, मुझे भी ना तुम अच्छे लगते हो काफी, सच में। हाँ अरे सही में, मतलब उस दिन मेरे को तुमने देखा ना, गुस्सा आ गया था। वो लड़की आई तो एकदम बोल रही मेरा बंदा है ये वो, मैंने मेरे को बहुत गुस्सा आया और मेरे को रोना भी आ गया। भी नहीं रहा था मैं तो, यही तो देखना चाह रहा था कि आपके अंदर फीलिंग्स है या नहीं है मेरे लिए कुछ। अरे है ना फीलिंग्स यार, तभी तो गुस्सा आया यार। गुस्सा तो तभी आता है ना इंसान को जब फर्क पड़ता है। अब तुम किसी और लड़की को ले आओगे तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर तोड़ दूंगे मैं उसका, सीरियसली बता रही हूँ। ऐसे कोई आ गई सामने, किसी को अटैचमेंट कहते हैं, पता है? अटैचमेंट और प्यार मेरे को नहीं पता, लेकिन है कुछ तो है। अभी ऐसे मत देखो यार, ब्यूटीफुल लग रहे हो आप बहुत। ठीक है, थैंक यू यार। अभी मेरे को शर्म आ जाएगी यार, लाल लाल हो जाऊंगी मैं। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास? हाँ, वैसे रेड, मैंने रेड पहना ना आज, तो तुम्हारे लिए भी कुछ है मेरे पास यार। अभी तुमने लिए कुछ लाए थे तो मैं भी ला सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। ये तो प्लान है, कुछ ना कुछ यार। इसमें प्लान वाला क्या बात है, जब मैंने फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस कर दी तुम्हारे आगे, तुमने मुझे बता दिया। हाँ सच में, क्योंकि मुझे पता लग चुका था तुम्हें है प्यार कहीं ना कहीं मुझसे, तो फिर मुझे भी लगा यार जिस बंदे की कदर करनी चाहिए, अगर उसे मुझसे प्यार है तो फिर हमें भी है तुमसे। थैंक यू सो मच। तभी तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। पक्का? बहुत टाइम बाद, मतलब आफ्टर लॉन्ग किसी ने मेरे को क्लास। मुंह मीठा कर लो ना। सेलिब्रेशन। चॉकलेट मुझे पसंद नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, पूरी खाओगे? सारी खाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि मतलब कैसा लग रहा है तुम्हें कि हम लोग अब एक नई जिंदगी स्टार्ट करने वाले हैं? मैं तो बोल रहा हूँ जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी कर लेते हैं स्टार्ट। शादी? अच्छा ठीक है। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, कुछ ऐसा ही है ना। दिया है अब तो, इनफैक्ट घर पे भी सबको यहाँ पे कुछ लगा है तुम्हारे। क्या बात सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जल्दी, क्या दिक्कत है? फिर बताओ कब बात करें। कुछ नहीं यार, मैं ये मेरा एक ना ड्रीम था छोटा सा, मैं चाहती हूँ तुम मेरा पूरा कर दो। खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हूँ। हाँ हाँ। क्या हुआ? यार ओ, I love you. यार वैसे देख करोगे तो मुझे भी, मतलब मेरे को भी शर्म आ जाएगी ना यार। तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू। अरे यार मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरे को बहुत टाइम बाद किसी लड़के से इतनी अटैचमेंट हुई। सीरियसली बताओ। सच में यार, मतलब ये तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कैमरा वैमरा लगा यार? मतलब डाउट ही हो रहा है कि कुछ ना कुछ कर रखा है आपने यार। नहीं यार, अभी तो कुछ भी नहीं कर रखा। आज तो ऐसी पर्सनल चीज है ना, हम लोग पब्लिकली शेयर नहीं करते, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, और कुछ और भी है शायद मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम्हें वो चीज बहुत पसंद है ना, तो ये तुम्हारे लिए।
ये जो आप मेरे को बोले थे बर्थडे के लिए रखा। हाँ, बर्थडे गिफ्ट है तुम्हारा। वाओ यार, कैसा लग रहा है? नाइस। पक्का? अच्छी लग रही है ना? चेंज हो जाएगी 7 वर्किंग डेज में अगर आप चाहो तो। बहुत ही अच्छी है। नाइस यार। पक्का? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे वो बर्थडे गिफ्ट है यार, वो तो बनता ही है। वो मेरे को आपने बता दिया था कि मैंने गिफ्ट लेकर रखा हूं, तो ये वो वॉचेस, ये वाली वॉच है। तो फिर क्या चाहते हो कि कब बताएं हम लोग? लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, सीरियसली बोलो ना। तो खुश हो अभी तुम? बहुत ज्यादा। पक्का? सीरियसली। तो एक नई जिंदगी शुरू करने वाला है, कैसा लग रहा है तुम्हें? देखो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा जैसे प्रैंक करती रहती हूँ मैं लोगों पे, तो मतलब तुम्हें पता है थोड़ा लड़की को ओपन माइंडेड होना चाहिए। मेरे को हर चीज देखी है, यहाँ A to Z वीडियोस देखी है, आपका काम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता बॉम्बे में मैं भी कैसा हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो आपको, मेरे को पता है इस चीज के लिए। और एक बात बोलो। क्या? सीरियसली? क्या सीरियसली बोलो। लास्ट टाइम मैं कुछ लेके आया था ना आपके लिए, लेके आए थे तो अभी भी रखा हुआ। दिखाओ क्या था वो। मैं तो उस, मैं सच में जानना चाहती हूँ क्या था ऐसा जो तुमने मतलब दिया नहीं था, बट वो क्या है? आपके लिए। अरे नहीं रुको, अरे रुको, अरे रुको, तो यार डायमंड रिंग है, मैं नहीं ले सकती यार। अरे सुनो तो, अभी डायमंड रिंग नहीं ले सकती। अरे शादी सुनो ना, अरे नहीं ले सकती यार अभी यार तुम। पहन तो लो। अरे रुक जाओ ना, मैं अभी नहीं ले सकती ना इसको। रखो यार, बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन मैं नहीं ले सकती इसको यार अभी। यार नहीं ले सकती यार अभी, कुछ और वजह है उसके पीछे ले, ना लेने की। क्या बताओ ना। अरे क्या हुआ यार, वो मैं नहीं ले सकती यार। क्यों? डायमंड रिंग है ना वो, तो डायमंड है तो यार बहुत महंगे है, मैं नहीं ले सकती। अरे यार नहीं, ये कुछ ज्यादा महंगे नहीं है, तुम्हें हमने तो रिंग दियो पहले यार वो बहुत। अरे सुनो तो, मैं नहीं ले सकती यार, क्योंकि मैं मजाक कर रही हूँ ना यार। किस चीज का मजाक? अरे यार वो प्रैंक कर रही हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोबारा से क्या? अरे कैमरा लगा रखा फ्रिज के सामने, वो देखो। देखो ये तो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट सच में है, ठीक है? और कैमरे की इधर इधर तो देख लो यार, ये सुनो, ये क्या कर रहे हो वापस यार? ये तो बर्थडे गिफ्ट है यार। थैंक यू सो मच यार, वो मैं बदला ले रही हूँ, कुछ रिवेंज ले रही थी यार। थैंक यू यार, सुन तो लो एक सेकंड, मेरी बात तो सुनो, मजाक करी थी यार। अच्छा तुम भी मजाक का बुरा मान रहे हो? अरे ठीक है, मेरे को टाइम चाहिए सोचने के लिए। हर बार नहीं होता है। हर बार क्या यार, मजाक है यार। सीरियसली आप मेरे फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो यार। फीलिंग्स के साथ तुम लोग, तुम दोनों मिलके भी तो उस दिन मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे ना, मैं भी तो, तुम भी तो मजाक ही कर रहे थे ना, मैं भी मजाक ही कर रही हूँ यार। बट हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, टाइम चाहिए मेरे को, टाइम के साथ एक बार आके बात करोगे? मम्मी को इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है मेरे को थोड़ा टाइम तो दो। एकदम इंस्टेंटली सारी चीजें नहीं होती है यार शैली, सुन तो लो। अरे सुन लो यार, यार बर्थडे गिफ्ट जो दिया था मैंने अमित को वॉच, वो वापसी देके चले गए। और बाकी यार उन्होंने भी मुझ पे मजाक किया था एक उस लड़की के साथ मिलके, लेकिन ठीक है मैं रिवेंज ले रही थी, बट शायद उनकी फीलिंग्स हर्ट हो गई है। देखेंगे अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यार पता नहीं यार, मैं कुछ कह नहीं सकती। कैमरा बंद कर रही हूँ।